आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सठ ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9 बजे से। फिलहाल नाश्ता वगैरह बन चुका है हमारा और अभी सिविका को हमें सुला दिया है नहला धुला के, तो नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद मिलाती हूँ आपको सबसे, सिविका से, पापा से, मम्मी से। दोस्तों फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ भरकटे के मार्केट जाने के लिए। मम्मी देखेंगे अब सिविका को, तो करवा चौथ का थोड़ा बहुत सामान बचा था, करवा लेके आना था और उस जो सीका होता है वो लेके आना था और अच्छा धागा लेके आना था और एक दिया लेके आना था, तो वो लेके आऊँगी। और आईब्रो मैंने मार्च से नहीं बनाए हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार बना लेते हैं। मेरे वैसे आईब्रो आते नहीं ज़्यादा, पर लेकिन मार्च में बनाए थे, फिर होली से थोड़े पहले, फिर अब बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में, मतलब मार्केट नहीं जा रही हूँ लेकिन भरकटिया की मार्केट जाऊँगी। और सिविका सो गई। सो गाइस फाइनली बन गए हैं यहाँ पे आईब्रो मेरे 8 महीने बाद पूरे। अब चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम था इधर, बाकी साड़ी वगैरह फॉल लगाने के लिए दी थी तो वो देते हैं और निकलते हैं घर को। आज मम्मी ने इस साइड के करेले का जो मीठा वाला करेले का बेल था वो निकाल दिया है यहाँ पे, और ये रहे करेले क्योंकि ये करेले का बेल सूख गया था। और ये अभी वो वाला है, उसमें तो हो ही रहे हैं। परकट्टा से घर पहुंच के खाना वगैरह खा के सिविका को ऊपर भी लागी है मम्मी। तो मैं आज भरकटिया मेन गई थी आईब्रो बनाने के लिए, मार्च के महीने से मैंने आईब्रो नहीं बनाई थी, पूरे 8 महीने बाद मेरे आईब्रो बने। और आईब्रो वाले मेरे से बोल भी रही थी कि तेरे जो आईब्रो है ना वो अभी भी नहीं आ रखे हैं 8 महीने में, तो बनाती नहीं हो तो आते भी नहीं ज़्यादा। तो इस बार मैंने सोचा चलो करवा चौथ है तो बना ही लेते हैं करके। बाकी मेरे यहाँ पे ना एक पार्सल और आ चुका है, तो ये वाला पार्सल शायद आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शादी का सीज़न आ रहा है ना, तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या मंगाया था करके। वैसे मैंने पार्सल खोल के देख लिया है बट आप लोगों को दिखाते हैं, मैंने वापस ऐसे रख दिया था ये। तो वैसे मैंने ना ये पार्सल भी इंस्टाग्राम से मंगाया, तो इंस्टाग्राम से सच में मतलब 2-3 पेज ऐसे हैं ना जिनसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जा रही हैं, पर लेकिन ये चीज़ ये चूड़ा ना चूड़ा मंगाया था मैंने करवा चौथ का, सच में आ भी गए पहले ही, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और शादियों का सीज़न भी आने वाला है नवंबर में, तो उसके लिए भी ये सही है। तो मैं आपको चूड़ा दिखाती हूँ, मुझे सच में इतना प्यारा लगा ना, शादी के टाइम पर अगर मुझे इस टाइप से चूड़ा मिला होता ना तो मैं पक्का बनाती, पर लेकिन बन नहीं पाया। तो ये है चूड़ा, इसमें मैंने अपने रिसेप्शन की फ़ोटो लगाई है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से ये चूड़ा एक बार रख के दिखाती हूँ कि ये चूड़ा है कैसा करके पूरा। आप लोगों ने मेरा ये वाला चूड़ा देख लिया होगा ना, तो सच में आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें ना डिज़ाइन भी उनके पास बहुत सारे, तो अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है ना तो इंस्टाग्राम में मेरा मतलब मेरी आइडिया दी स्वेटर ब्लॉग्स करके, तो उसमें मैंने ये वाला चूड़ा ना मतलब कोलाब कर रखा है इन लोगों को, इनको स्टाइलिस्ट एस स्टूडियो है, तो उससे ज़रूर ऑर्डर कर लेना अगर आप लोगों को सही लगे तो, मतलब करना जबरदस्ती नहीं है, पर लेकिन मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस टाइप से ना डिज़ाइन भी बहुत है इनके पास, तो डिज़ाइन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो तभी क्योंकि मैंने लाइट कलर की साड़ी ले रखी है करवा चौथ के लिए, तो इस वजह से मैंने डार्क चूड़ा मंगाया रेड कलर का। और इससे पहले ये वाला जो मेरा चूड़ा है ना मतलब मीशो वगैरह से मंगाया था तो वापस कर दिया था मैंने। और जो है ये दूसरा चूड़ा मेरा शादी के बाद का दूसरा चूड़ा, शादी वाला चूड़ा मेरा मरून कलर का है, हल्का मरून है वो, और ये रेड कलर का है, तो मैंने सोचा रेड ही मंगा लेते हैं इस बार करके, तो ये अच्छा लगा मुझे। आप भी मंगाना चाहोगे ना तो आप भी मंगा सकते हो ये चूड़ा। शादी के टाइम पे ना उतना मैं सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव नहीं रहती थी, तो तभी मुझे कुछ भी पता नहीं रहता था। उस टाइम पे मैं सच में मंगलसूत्र भी जो मैंने मंगाया ना अब वो मैं मैं उसी टाइम पे मंगा लेती जब नई नई शादी हुई थी, चूड़ा भी शादी में मंगाती, पर लेकिन उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी तो मंगाने का रहता भी नहीं है ना। तो अब जाके मैंने कहा चलो इस बार के करवा चौथ में मंगा लेते हैं। मैं पता नहीं क्यों करवा चौथ है करके पता होता है, लेकिन हमेशा मुझसे करवा चौथ करके निकलता है, मुझे पता कि करवा चौथ है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं ना मेरे सुने कि करवा चौथ नहीं होता है, करवा चौथ होता है करके, तो तभी बार बार गलती से हो जाता है। और हाँ मैं करवा भी लेके आई, तो मैं करवा दिखाती हूँ आपको, मैं करवा तो ऑफलाइन ही लेके आई हूँ, तो करवा दिखाते हैं आपको।
खाली तो आप लोगों ने मेरी देखी थी, एक बार और दिखा देती हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी थी। बाकी जो कर्व है वो दिखाती हूँ, पहले बंदे हैं ये, अभी ऊपर से ना ये बदा हुआ है, तो मैं अभी आपको बाहर से दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वाला है, पिछली बार का करवा जो था वो थोड़ा वो मतलब मिट्टी वाला था और बाहर से ऐसे कपड़ा नहीं लगा था उसमें, इसमें इस बार बेलबेट का कपड़ा लग रखा है रेड कलर का। पिछली बार नॉर्मल था पर लेकिन ये सितारे वगैरह चिपके हुए थे, तो इस बार ये लिया, 80 रुपये का मिला मुझे ये भरकटिया में। और थाली दिखाती एक बार आपको, जैसे आजकल एपन वाली थाली बहुत ज़्यादा चली हुई थी, थाल बहुत चली थी, पर लेकिन मैंने ये कस्टमाइज मंगाई, ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया था, जहाँ से चूड़ा मंगाया ना वहीं से मंगाया था, तो काफ़ी लोगों ने उसके बाद मेरे बाद भी काफ़ी लोगों ने लिया था ये। तो ये तो अब ये थाली वगैरह ना ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से संभाल के रखूँगी, और अच्छा भी आया था, बर्तन वगैरह सब अच्छा था। जैसे एपन थाल वगैरह हम किसी को देते हैं ना बनाने के लिए, 400-500 का बना रहे हैं वो, और थाली भी अपनी दो, और लेकिन ये मेरे को मिल गया था 400 कुछ का आ गया था मेरा ये पूरा सेट। अभी मैं ना दो चीज़ भूल गई, दिया मेरे को वहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि मैं एक ही दुकान में गई, वहाँ से सीधे घर को ही आई, दिया नहीं लिया मैंने, और दूसरा रक्षा धागा, तो वो कल परसों किसी दिन एक दिन पहले लेके भी हो जाएगा, तो तब ले लूँगी उसको। और एपन वाली थाली ना मैं खुद से बनाऊंगी सोचूँ मैं, अभी तो सिविका छोटी, बाद में थाली वगैरह लेके ना मैं खुद ही बना लूँगी। दूसरे का ऐसा होता है ना कि पसंद नहीं आता है कभी कभार हमको, उसने कैसा बनाया ऐसा बनाया सोचते हम, तो खुद ही बनाओ तो सही है, खुद ही बनाऊंगी बाद में, सिविका थोड़ी बड़े हो जाए, देखूंगी अगले साल भी बना सकती हूँ। मेरे ना पूरे पार्सल ही पार्सल हो गया, मैंने इस महीने में ही इतनी सारी चीज़ें मंगा ली है ना इंस्टाग्राम से, इस बार सारी चीज़ें कस्टमाइज मंगा रही है, कस्टमाइज फोटो थाल मंगाई थी, कस्टमाइज फोटो चूड़ा मंगाया था, कस्टमाइज नेमिंग मंगलसूत्र मंगाया था मैंने, तो जो जो चीज़ें इस महीने मंगाई थी वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं करवा चौथ की ये थाली का सेट मंगाया था पूरा, उसके बाद मेरा आया था ये वाला पार्सल और ये वाला पार्सल, एक ही दिन आए थे ये दोनों, और आज आया मेरा ये वाला चूड़ा, तो चूड़ा तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी, ये मैं पहले मंगाती अगर मतलब जैसे मुझे मिलना होता ये और ये, पर लेकिन आज मिला तो मैंने ये आज ही मंगा लिए। 4 से 5 पार्सल मैंने अभी मंगाया, उससे पहले मैंने भी सूट वगैरह तक ना मैंने लगभग इंस्टाग्राम से मंगा रखे हैं, कितने पार्सल में बताती हूँ। पिछले साल मैंने एक मंगाया था फ्रॉक सूट मंगाई थी, एक हो गया, दूसरी इस बार ब्लू कलर की सूट मंगाई थी, फिर राखी मंगाई थी, फिर उसके बाद मैंने मंगाई थी लिपस्टिक, फिर उसके बाद मैंने मंगाई थी सूट, फिर मैंने उसके बाद मंगाए थे दिए, फिर मैंने मंगाए थे एक मतलब करवा चौथ की थाली मंगाई थी, फिर दिए मंगाए थे, फिर मैंने मंगाया मंगलसूत्र, फिर एक उसके बाद एक सूट मंगाई थी, फिर एक ही गोल्ड कट वाली सूट मंगाई, और मंगलसूत्र मंगाया, चूड़ा मंगाया, तो टोटल मेरे ना कितने हैं मैं बताती हूँ आपको। तो टोटल अभी तक मैंने ना 10 या 11 पार्सल जो है इंस्टाग्राम से मंगा दिए हैं, क्योंकि मुझे ट्रस्टेबल पेज मिल गए थे इस वजह से। तो आज का जो व्लॉग था इतना ही रखते हैं, आप लोग बहुत बोल रहे थे ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मतलब कि रोज़ सिविका को दिखाते हो, सिविका को दिखाते हो, तो चलो आज मैंने अपनी ये इंस्टाग्राम की शॉपिंग दिखा ली आप लोगों को, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा हटके लगा होगा व्लॉग, भले ही व्लॉग में मैं बोल रही हूँ, मैं सिविका को इसलिए रोज़ रोज़ दिखाती हूँ, इसलिए ही उसको ज़्यादा दिखाती है, उसके कॉन्टेंट या उसके थंबनेल इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी होगी ना जब वो, तो सारी चीज़ें देखी, जैसे कल का व्लॉग था, आजकल सिविका थोड़ा ज़्यादा अलग ढंग से हंसने लगी है, बोलने लगी है, तो वो सारी चीज़ें देखेगी कि वो कब बोलना स्टार्ट करा उसने, कब वो क्या चीज़ें बोलने लगी, तो तभी मैं उसको ज़्यादा दिखाती हूँ, उसके कॉन्टेंट उसके थंबनेल बनाती हूँ।